नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भूकंप से दहल उठा जयपुर, 16 मिनट के अंदर 3 झटके। सुबह सुबह भूकंप की झटकों से राजस्थान की धरती हिल गई है। जयपुर में 16 मिनट के अंदर एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 तक रही है। सबसे पहला भूकंप सुबह 4:09 पर आया। भूकंप का दूसरा झटका 4:23 पर, जबकि तीसरा झटका 4:25 पर आया है। बता दें कि 4:23 पर आए भूकंप की तीव्रता 3.1 रही, जबकि 4:25 पर आए भूकंप की तीव्रता 3.4 थी। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने अपने घरों से बाहर भागे, कुछ लोग पार्क में जाकर बैठ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस हुए। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूकंप इतना तेज था कि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लोग भूकंप आने का वीडियो साझा कर रहे हैं। इसमें भूकंप के कारण कार हिलती हुई भी दिखाई दे रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके भूकंप की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जयपुर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बता दें कि मणिपुर के उखरुल में भी सुबह 5:00 भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। 20 किलोमीटर की गहराई में दोस्तों ये भूकंप आया है। अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के अंदर 16 मिनट के भीतर 3 बार भूकंप आ गया है, जिसके बाद पूरे जयपुर में हाहाकार मच गया है। लोग भी दहशत में आ गए हैं, अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी